बस फर्क इतना है कि कुछ जखन देते हैं और कुछ जख्मों को भर दें। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था और तो अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तब लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हैं। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, ये दोनों दोबारा आते हैं न दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ। किसी आदमी को अगर गायब करना है तो से पैसे उधार देता। लोग आपके अंदर आपको नहीं बल्कि खुद को देखते हैं, इसलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और एक बुरा इंसान आप में बुरा ही देखेगा। जीवन में कई बातें समझाने को समझ में नहीं आती, उन्हें अनुभव करके ही पता चलता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पीछे देखना छोड़ दो। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो उसे हंस कर जीना है या फिर रोकर जीना है। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता है और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद करें। तो किसी को भरोसा देकर पुरुष का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा था। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का आया पर होता है। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौते करना सिखाया है। जरूरत में वह ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखना, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। किसी का बहुत दिनों के बाद मैसेज आए, तोड़े पिलाए भी बहुत दिनों के बाद ही करना। दर्द से बाहर आने के लिए कुछ रिश्तों को डोट मन से ब्लॉक करना पड़ता है। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते। निकाल भी को कंकड़ को सिर्फ मरी हुई मछली पानी का भाव चलाती है। जिसमें में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल लिए देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है, असली धनवान वह जिसके पास अच्छे विचार अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद कराने से अच्छा है अपने कान बंद कर जिंदगी बेहतर हो जाए। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती। मीठा बोलने वालों का मिर्ची भी बिक जाते हैं और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं दिखता। मकान बन जाएगा सिर्फ चार दीवारों पर, घर तो बस है। ने समाज और साझेदारी से किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पा गए। हौसला था, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिल लेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगे। आदमी के शब्द नहीं बल्कि उसका वक्त बोलता है। न जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, यह उसी को ढूंढती हूँ जो इसे नजरअंदाज करता है। वजह चाहे जो भी, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे, दूरियां मायने नहीं रखती। जब दिल एक दूसरे के लिए वफादार, आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो समझने में बहुत वक्त लगता है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहां पर वह रोज सुबह जाता। वहां पर थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठा था, फिर वापस आ जाता। वह रोज की तरह सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया। उसने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं भी आज आपके साथ चलूंगा। उसने पहले उसको थोड़ा समझाया और मना किया कि जो रास्ता है वह बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ही ज्यादा, तुम मेरे साथ नहीं चल पाता। लेकिन फिर भी उसके बेटे जीत कर तो पितामह
किया। दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में बाहर थी और राइट साइड में खाई थी। रास्ता बहुत ही छोटा था। वह पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज आते जाते थे तो उसको पता था कि वहाँ पर पत्थर है, तो वह साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जाकर के उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली और जैसी वह चीखा उसकी आवाज उन पहाड़ों में खोजने लगे। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज की को नहीं सुनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने उस भूल को सुना तो उसे गुस्सा था। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए चला जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना वह घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया, उनसे पूछा कि कौन है जो मुझे इतना तंग कर रहा है, कौन है जो मुझे इतना डरा रहा है। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता। यह सुनकर वह बच्चा हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वह इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है उसे तंग कर रहा है और उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता। तो उसके पिता अपने बेटे को देखा और वह समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। फिर दोबारा उसने बोला, तुम अच्छे हो। यह सुनकर उनका बेटा थोड़ा सा मुस्कुरा है और अपने पिता से पूछा कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, यह जो आवाज तुम सुन रहे हो ना ही किसी और की नहीं, यह तुम्हारी ही आवाज है जो पहाड़ों में गूंज रही और तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हैं और ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके वो आवाज आएगी और उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो आज भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही हो जाते हैं। अगर तुम मन ही मन अपने आप से यह बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में धुरी हो जाएगी। अगर तुम अपने जिंदगी से प्यार करते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे प्यार करने लगी। यह बात उस बच्चे दिमाग में घर कर गई। फिर दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गया, लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रहा था। फिर वह बच्चा खिलखिलाकर हंस और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता। दोस्तों, इस वीडियो में बसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।